हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, अभी हम लोग करने वाले हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन करने से पहले आप लोग को एक टर्मिनेशन किट का पेपर देख लेना है, उसके बाद आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताने वाला हूँ कि टर्मिनेशन का क्या क्या प्रोसेस है। मेरा पहले का वाला वीडियो भी आप लोग देख लिया होगा, तो आप लोग समझ गए होंगे आप लोग अभी क्या करने वाले है। ठीक है, मैं पीवीसी निकाल दिया। पीवीसी निकालने के बाद देख रहे हो अर्थिंग का आर्मर जो है उसको लपेट देने वाला हूँ। अभी ये दूसरा केबल है, उसमें बाहर का पीवीसी निकाल दिया। अंदर का एक सेफ्टी रस्सी है जो है सपेट वाला, अभी इसको कटिंग कर देते हैं। उसके बाद हम लोग बाहर का जो आर्मर जो है उसको देख सकते हो चुल्ली का तरह लपेट के, इसको बोलते हैं गाइस ब्रेकआउट। ठीक है, ये ब्रेकआउट घुसाने वाले है। वो बाहर से एक जाली आता है, उसको लपेट के टेप मार दिया हम लोग ने, देख सकते हो केबल का एंड में। अभी हम लोग ने केबल जो है उसका ब्रेकआउट घुसा के, केबल में ब्रेकआउट घुसा के देख सकते हो इस तरह से पीवीसी डाल के हम लोग ने टाइट कर दिया। उसके बाद हम लोग कवर लगाएंगे। एक कवर बोलेगा इसका नीचे का प्लेट जो होता है इसको लगाना जरूरी है। ठीक है, इसको लगाएंगे तो आप लोग का सामान जो है ऊपर से सामान नहीं नीचे नहीं गिरेगा, इसलिए आप लोग बाद में भी लगा सकते हो। पहले लगाते हो तो आप लोग का सामान जो है देख सकते हो इस तरह से सेफ्टी होएगा। ठीक है, पीछे अर्थिंग का जो पॉइंट है उसको अर्थिंग बाद में हम लोग टाइट करने वाले हैं। अभी केबल जो है ब्रेकआउट का ऊपर का जो देख सकते हो ऊपर टाइट नहीं किया है। ठीक है, मतलब ऊपर हीटिंग नहीं किया है, देख सकते हो इधर थोड़ा गैप है। ये अभी केबल बैंड करने के बाद हम लोग हीट करने वाले हैं। अभी देख सकते हो कि किस तरह से हीट करना है। अभी जो है हम लोग टर्मिनेशन का जो मेजरमेंट है और जो आप लोग को जो सामान मटेरियल है वो ज्वाइंट टर्मिनेशन किट में मिलेगा, ज्वाइन कर रहे हो ज्वाइन किट में मिलेगा। देख सकते हो कि अभी हम लोग का काम करने का जगह में थोड़ा खड्डा था, तो जेसीबी से अभी हम लोग ने मट्टी भरवा के हम लोग का हाइट लेवल करने की बात टर्मिनेशन करने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हो इस तरह से हम लोग को हाइट बराबर हो गया। अभी टर्मिनेशन करने वाले है, देख सकते हो हम लोग को जो केबल जो है अभी थोड़ा बैंड करके नीचे का जो ब्रेकअप का गैप जो है उसको हीटिंग कर देने वाला है। ठीक है, अभी जो है इसमें है दो टर्मिनेशन का सामान। ठीक है, अभी इसमें दो टर्मिनेशन बॉडी और एंगल बोर्ड वगैरह, दो टर्मिनेशन का पूरा सामान इसमें है। और लॉक्स हो गया, उसमें दो समझ लो कि दो सामान का एक ही जगह में है, आप लोग एक ही कार्टून में रखा है। ठीक है, अभी देख रहे हो एक इसमें लगने वाला है सामान और एक इसमें लगने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग ने हिट कर देने वाला है नीचे का जो गैप है, इस देख सकते हो इसमें थोड़ा हम लोग ने केबल बैन कर दिया। उसके बाद थोड़ा गैप जो है देख सकते हो ब्रेकआउट का, वो हीटिंग कर देने वाले है। आप लोग को हीटिंग नहीं करेंगे तो फाइल मारने का टाइम, केबल कटिंग करने का टाइम आपको कचरा जाएगा उसमें। देख सकते हो हमने अभी हीटिंग कर दिया। हीटिंग करने के बाद हम लोग ने लक्स रख के मेजरमेंट करके केबल काट दिया है। केबल काटने के बाद हम लोग ने मेजरमेंट ले लिया है 25 है गाइस, ए कंपनी का जो मेजरमेंट है वो फाइलिंग का 25 है। देख सकते हो ये पैकेजिंग रस्सी का मदद से आप लोग फाइलिंग मार सकते हो। ठीक है, मैं आप लोग को पहले भी बता दिया था ऊपर का जो है उसको फाइलिंग का मेजरमेंट है और नीचे वाला जो है वो रेकम का है। ठीक है, देख सकते हो ऊपर का 25 है और नीचे का 2.5 फाइलिंग से, और ऊपर से जो मेजरमेंट लिया है 25, अभी 2.5 सेंटी नीचे छोड़ के मार्किंग कर लेना है। ठीक है, देख सकते हो इस तरह से अभी हम लोग फाइल मारने वाले हैं। अभी हम लोग फाइल मारने के लिए देख सकते हो इस तरह का फाइल आप लोग यूज़ कर लेना है। आप लोग को जो बाहर का सेमीकंडक्टर जो है खाली उसी में फाइल मार लेना है। आपको तो पता ही होगा, मेरा वीडियो देखते हो तो आप लोग को तो पता ही होगा गाइस। देख सकते हो अभी हम लोग फाइल मारने वाले हैं। फाइल मारने की बात हम लोग का सेमी कंडक्टर निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग रेकम को हीटिंग कर लेना है। ठीक है, अभी देख सकते हो इस तरह से फाइल मार लेना है। जो अंडर का जो XLP होता है सफ़ेद वाला, थोड़ा उसको थोड़ा टच कर लेना है, ज़्यादा इसमें फाइल नहीं मारना है। ठीक है, देख सकते हो पैकेजिंग रस्सी के मदद से कितना फ़ायदा होता है। आप लोग का राउंड जो है बराबर आता है, देख सकते हो ये नाइफ जो है थोड़ा आराम से बाहर का जो सेमी कंडक्टर है उसको खाली निशान लगाना है बाहर से। आप लोग को प्लायर वायर एक्सेल प्लायर का और प्लायर या नोज प्लायर का आपको जो भी आप लोग को ये निकालने के लिए इजी होएगा उसका मदद से आप लोग निकाल सकते हो। देख सकते हो मैं नोज प्लायर से इसको निकालने वाला हूँ। नोज प्लायर से थोड़ा इजी होएगा, देख सकते हो जो आप लोग को मारा नाइफ को मुंडी है उसमें पकड़ देना है, इस तरह से आप लोग को निकाल देना है। बहुत ईजी है गाइस, आप लोग देख सकते हो इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, देख सकते हो
ए निकालने के लिए थोड़ा इजी तो है, लेकिन आप लोग को पहले पहले स्टार्टिंग में जो काम करने वाला आदमी है उसको थोड़ा तकलीफ होगा। ठीक है, अभी मैं देख रहे हो इस तरह से काम कर रहा हूँ, मैं काम करते हुए वीडियो बनाता हूँ इसलिए पूरा वीडियो ले नहीं पाता हूँ गाइस। ठीक है, अभी इसका बाद हम लोग एक्स एल पी को कटिंग करने वाले है। इसका एक्स एल पी का कटिंग का जो मेजरमेंट है वो है 8 साढ़े 8 सेंट। ठीक है, 5 सेंटी जो हम लोग को जो गैप है उसके लिए छोड़ने वाले है। इसका लक्स में घुसता है 8 सेंटी, 8 सेंटी जो है घुसता है। ठीक है, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि गाइस आप लोग का जो नाइफ जो है, नाइफ चलाने का टाइम आप लोग का हाथ बैलेंस होना चाहिए और आप लोग सेफ्टी में काम कर रही है। हम लोग को तो थोड़ा आदत बन गया है गाइस, इसलिए थोड़ा हम लोग को नाइफ का हो गया, कुछ भी सामान का हो गया, थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करते करते रहेंगे तो आप लोग को आदत हो जाएगा। बाद में आप लोग को जो है जो भी काम करने के लिए थोड़ा ईजी होएगा, आप लोग ईजीली काम कर सकते हो। देख सकते हो हम लोग ने ये सेमी कटर निकालने के बाद हाथ से चेक करना पड़ेगा। हाथ से चेक करके आप लोग इसमें नाइफ लगाए कि नहीं लगा है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो गाइस अभी हम लोग XLP कटिंग करने वाले हैं। XLP कटिंग करने के लिए आप लोग को 8.5 सेंटी में देख सकते हो इस तरह से 8.5 सेंटी में मार्किंग कर लेना है और बाद में कटिंग कर लेना है। ठीक है, और लक्स में ये जो अंदर का कोर जो है वो लक्स में 8 सेंटी घुसता है। आप लोग 0.5 सेंटी जो है उसको गैप के लिए हम लोग गैप के लिए ये छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि गाइस इसमें XLP का साथ आप लोग का लॉक जो है पंच मारने का टाइम आप लोग को टच होना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग XLP निकालने के लिए ये देख सकते हो ये सामान का मदद से XLP कटर बोलता है हम लोग। इसका एग्जैक्टली नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन ये प्लम्बर जो है वो लोग ज़्यादा यूज़ करता वो लोग तो ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग को ईजी होता है गाइस, इसलिए हम लोग कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, देख सकते हो इस तरह से XLP को सीधा नाइफ जो नहीं मारना है, थोड़ा क्रस में मारना है क्योंकि अंदर का कोर भी है, उसको थोड़ा डैमेज नहीं कर लेना है। ठीक है, डैमेज हो जाएगा तो साइन पेपर का मदद से आप लोग जो है उसको क्लीन कर सकते हो। अभी उसका बाद देख सकते हो इसका XLP जो है उसका इस तरह से राउंड मारना है। राउंड मारने से आप लोग को क्या होगा, वो जो हम लोग का टर्मिनेशन बॉडी जो है वो अंडर टालने का टाइम आप लोग का इजी से जाएगा और आप लोग का फिनिशिंग भी थोड़ा अच्छे से दिखेगा। इसलिए देख सकते हो मुंडी में टेप मारना जरूरी है, ये मुंडी में टेप मार के आप लोग को टर्मिनेशन बॉडी जो है अंडर घुसाना पड़ेगा, वरना आप लोग का ये कोर का जो वो आप लोग का कोर का जो है उसका मुंडी आप लोग XLP में लग जाएगा तो वो लग फटने का डर होता है, इसलिए मुंडी में लगाना जरूरी है। देख सकते हो हम लोग इस तरह से ट्रांसमिशन बॉडी डालने से पहले आप लोग जो रेकम जो है उसको इस तरह से डाल के आप लोग को हीटिंग करना पड़ेगा। देख सकते हो हम लोग ने फाइलिंग से नीचे 2.5 सेंटी नीचे हम लोग ने हीट कर दिया। देख सकते हो हीट करने के बाद आप लोग जो ट्रांसमिशन बॉडी जो है उसको डाल सकते हो। उसको डालने से पहले आप लोग को देख सकते हो इसको ये इसको बोल देते हैं गाइस स्लाइडिंग कोन, और नीचे का जो ट्रांसमिशन बॉडी है इसको ट्रांसमिशन बॉडी, और इसमें आता है ग्लव्स और टिश्यू पेपर और ग्रीस, सिलिकॉन ग्रीस और लॉक्स वगैरह, इसमें ज़्यादा कुछ सामान आता है। लेकिन आप लोग जो कोर जो है केबल को ट्रांसमिशन बॉडी डालने से पहले इसमें टिश्यू आता है गाइस, इस टिश्यू से आप लोग को क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी स्लाइडिंग कोन का मदद से हम लोग जो बॉडी जो है उसको डालने वाले है। देख सकते हो अभी इस तरह से हम लोग ट्रांसमिशन का जो है इस तरह से करते हैं। आप लोग कर सकते हो, आप लोग को जो स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होएगा बाद में इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसमें ग्लव्स आता है गाइस, इसमें 2 सेट ग्लव्स आता है। देख सकते हो इस तरह से आप लोग ग्लव्स लगा के ग्रीस लगा के, पहले ग्रीस लगाने से पहले आप लोग को कोर जो है उसको क्लीन करना पड़ेगा। मैं टिश्यू से भी क्लीन कर दिया और साथ में हमारा साथ में क्लीनर और कपड़ा भी था, उसका मदद से मैं साफ कर दिया है। और जितना साफ करेंगे उसको आप लोग को उतना ही अच्छा होएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा कचरा भी आप लोग का अंदर जाएगा तो ट्रांसमिशन वगैरह कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। देख सकते हो ये स्लाइडिंग कोन इस तरह से आप लोग को राउंड में थोड़ा उसको फंसा देना है और इसमें ग्रीस डाल के थोड़ा उस तरह से थोड़ा ग्रीस लगा के, ठीक है, ग्रीस लगा के आप लोग ट्रांसमिशन बॉडी जो है उसको अंदर डाल सकते हो। ठीक है, अभी इसमें इस तरह से करके अभी देख सकते हो मैं डालने वाला हूँ गाइस। देख सकते हो अभी इस तरह से थोड़ा ढक्का दे सकते हो और बाद में थोड़ा राउंड करके आप लोग ढक्का देंगे तो
इजीली जाएगा, ठीक है। सीधा आप लोग धक्का देंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बाद में ये स्लाइडिंग कोन जो है, इसको गाइडर भी बोल देता है, इसको बाहर निकाल के फेंक देना है, ठीक है, देख सकते हो। उसके बाद हम लोग ने पूरा तीनों बूस्ट डाल दिया, उसके बाद ग्रीस जो है उसको साफ कर दिया थिनर कपड़ा से, थिनर या क्लीनर कपड़ा से, देख सकते हो। बाद में फिर वो ऊपर का मुंडी में जो टेप लगा है, पहले लगाया था, उसको निकाल देने वाले है, देख सकते हो। वो निकालने के बाद तभी आप लोग जो ट्रांसमिशन का लॉक्स जो है उसको अंडर डाल सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। मेरा हिंदी तो थोड़ा अभी तक थोड़ा 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 आता है गाइस, अभी तक भी मेरा हिंदी तो थोड़ा मुश्किल है, आप लोग अभी मैनेज कर लेना, ठीक है गाइस। मैनेज कर लेना। अभी देख सकते हो इस तरह से हम लोग ने डाल दिया, उसके बाद हम लोग लक जो है बाहर पंच नहीं मारना, ठीक है, अंडर इसमें नट बोल में फंसा के आप लोग पंच मार देना है, देख सकते हो, अंडर फंसा के पंच मार देना है। आप लोग एंगल बुट जो है उसको पंच मार के निकाल के भी मार सकते हो, नीचे डाल के भी पंच मार के, बाद में पंच मार के भी डाल सकते हो, लेकिन अभी हमारा केवल टेस्टिंग होएगा, इसके लिए हम लोग ने खाली पंच मार के छोड़ने वाले हैं। तो गाइस मेरा वीडियो इतना तक है, मिलते हैं दूसरा वीडियो में।